राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह के पक्ष में सभा करने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को लेकर बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा, ये भ्रम छल कपट वाले जो लोग होते हैं ये बड़े बदमाश होते हैं और दिग्विजय सिंह राजा वो भी इसी भूमिका के हैं, वो भी उसी तरह के गुणा भाग करेंगे। तो मेरा अनुरोध है मित्रों कि इस चुनाव में थोड़ा राजनीतिक निर्णय भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेना है। आम जनता जिनके साथ धोखा हुआ है उनका सूझबूझ से निर्णय लेना है, क्योंकि भ्रम छल कपट वाले जो लोग होते हैं ये बड़े बदमाश होते हैं और दिग्विजय सिंह राजा वो भी उसी भूमिका के, वो भी इस प्रकार के गुणा भाग करेंगे। इतना ही नहीं, बीटी शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान के सामने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है दिग्विजय सिंह की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची, कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। राहुल गांधी ने उनको माफी मांगने के लिए कहा, उन्होंने एक दलित बेटी का अपमान किया, उस पर माफी नहीं मांग सकते। इतने इरोगेंट, इतना गुरूर और घमंड, मतलब उनका ये नेतृत्व भी खत्म हो गया। अब भूपेश बघेल को लाने का प्रयास किया है। मैंने कहा है कि धर्मांतरण को समर्थन करने वाले ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ के अंदर उस प्रकार के काम चलाने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जनता इनको कभी स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। उपचुनाव के घमासान में नेताओं के ऐसे बयान मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, नेताओं के बयान में मुद्दे पीछे और जुबानी जंग आगे नजर आ रही है। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।